रहता है, उसके काफी सारा दर्द होता दिख रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और हम चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपको फिर से स्वागत हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी पेन हो रहा है, बताना ये चाह रहे हैं कि स्नैक रेस्क्यू करने के दौरान जो कॉमन सेंट वो है स्नैक जो हमें बाइट कर लिया, और उसके बाद बाइट करने के बाद वहाँ से तो हम लोग चल दिए, लेकिन बाद में हमको जो है कि आभास हुआ कि काफ़ी जो है कि पेन हो रहा है इसमें। इसमें जो है ना कि हमारे इसमें जो है कि दो चार दांत जो है ना कि जब बाइट किया ना तो उसका दांत जो है कि इसमें टूट गया है और काफ़ी पेन हो रहा था। हम लोग कहीं चलकर जो है कि ये खजूर का पेड़ देखेंगे, वहाँ से उसमें से कांटा निकाल कर जो है कि उसको दांत को जो है कि हम निकालने की कोशिश करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। बहुत काफ़ी पेन हो रहा है। चलिए हम लोग पहले जो है कि कोई खजूर के पेड़ देखते हैं, उसके बाद हम जो है ना कि करते हैं देख। ये खजूर का पेड़ है, इसी का जो है कि कांटा जो है कि बहुत ही तेज होता है, जिससे हम लोग का जो है कि सांपों का जो है कि इससे दांत जो है कि हम लोग इससे निकालेंगे। इसको निकालना होगा हमें। ये कमर सेंट बुआ का दांत जो काटा है ना। और हम चाह नहीं रहे थे कि ये मुझे बाइट करे, लेकिन काट काफी दर्द। और है कहीं दो दांत निकाले हैं, तीसरा दांत अभी इसमें फंसा ही हुआ है। तीसरा दांत भी निकला। और बताते ही हम आप लोगों को कि जो विषहीन सांप रहता है उसके काफी सारा दांत होता है, दिख रहा है ठीक से काटा। बाप गजब का। ये पूरे रास्ते मुझे अथी हो रहा था, देखते हैं। इसमें से निकाल दिए हैं, इसमें से निकाल दिए। चलिए तीन दांत जो है किस्म से, तीन दांत जो है ना किसे वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जो है ना कि बहुत काफ़ी दर्द कर रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो है ना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बारीकी से देखा तो इसमें कॉमन सेंट वो है स्नेक के सांप के तीन दांत जो है कि बाइट करने के बाद तीन दांत जो है कि उसका जो है कि हमारे शरीर में ही उंगली में उसका टूट कर जो है कि फंस गया था, जो काफ़ी पेन कर रहा था, लेकिन अब जो है कि बहुत राहत हो रहा है। चलिए ठीक है,